मऊ जनपद से है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट जी एन सचान एवं सीओ सिटी नरेश कुमार सिंह संस्कृत पाठशाला चौकी इंचार्ज आर एस नागर के नेतृत्व में संस्कृत पाठशाला चौकी में मोहल्ले के चौकी क्षेत्र के सम्मानित लोग को मीटिंग में बुलाया गया और सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। घर से बाहर ना निकले और घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर घर से निकले और दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया कि मास्क लगाकर ही दुकान पर बैठें। अगर आपके यहाँ कोई ग्राहक आता है तो मास्क लगाकर आए, अगर वह मास्क नहीं लगाकर आता है तो उसे सम्मान न दें। साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर हम आपके मोहल्लों में कोई घटना होती है तो उसे आप तुरंत हमें फोन करें या हमारे चौकी इंचार्ज को बताएं। वहां पर मौजूद मोहल्लेवासी बाबू मदन सिंह, संजय वर्मा, पंकज उपाध्याय, विजय सर्राफ, मनीष वर्मा, सुधीर सोनकर, विजय शर्मा वर्मा, सतीश वर्मा, अली अहमद इत्यादि लोग मौजूद थे। तो दे सकते हैं। उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ऊपर से दबाव हो जा रहा है, काम रुक जा रहा है। सुलह समझौता सब कुछ कागज पे सीओ साहब के वहाँ हो चुका है। शांति से मीटिंग में उपस्थित अधिकारीगण और सरकार महोदय साहब और हमारे सीओ साहब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया, प्रवासी मजदूरों के संबंध में ये लोग बाहर से आ रही और शराब का सीजन है, ये दोपहर में शाम को कभी भी लोग पीते हैं और आए दिन कहीं ना कहीं झगड़ा होगी। सीओ साहब और नगर मजिस्ट्रेट महोदय, प्रभारी चौकी इंचार्ज महोदय, आप लोगों ने कोरोना के संबंध में लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आपने बुतल बता सबको पालन करना चाहिए, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे हाथ धोना हो, चाहे एक दूरी बनाना हो, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात, हम लोग सबसे कहते हैं कि आप लोग मास्क लगा, क्योंकि के इस दरोगा जी को और सिपाही काफी मेहनती परिश्रम करते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक सुझाव का जरूर पालन करेंगे कि जैसे मैं देख रहा हूँ जो अपनी बात आती तो मैं सबके सामने बोल देता हूँ, तो कहते हैं कि आप बोलना नहीं चाहिए, कोई गलत बोलो तो अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी टेम्पो चल रहे हैं, जैसे जो भी लोग कर रहे हैं, इतना तेज चल रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, सवारियां ज्यादा लादी जा रही, तो मेरा सुझाव यह है इस पर भी हमारे चौकी इंचार्ज महोदय चेक कराएंगे, इसमें जो सुधार होगा बिल्कुल मुझे देखा जाएंगे। और कहां से? पूरे अरब कंट्री से आ रहा है। तो वो लोग कभी कभी ऐसा हो जा रहा है, वैसे हम लोगों की उन पर नजर है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन, और वो विदेश से आया तो वो मुझे जरूर बताए, जिससे कि हम उसको यथास्थान क्वारंटाइन का करा सके। अपनी सक्षम है पेड क्वारंटाइन जिसको कहा जाता है, एक होटल है ग्रीन लैंड, उसमें 3 लोग इस समय क्वारंटाइन है, वो अपना पेड करेंगे और क्वारंटाइन रहेंगे, और जो माली जी इस तरह से सक्षम नहीं है तो एक शिवानंद पीजी कॉलेज इंदारा में, उसमें इस समय 22 लोग क्वारंटाइन है, मतलब विदेश से आने वाले, वो सेंटर आपके जिले में वो रखा गया है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के नजर में आता है तो आप लोग उसको जरूर सूचित करिए। मेरे 54 41 79 82 9451417982 तो मुझको फोन जरूर करिए, शंका तब भी कर दीजिए, ऐसी कोई रहेगा उस शंका का समाधान करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। दुकानदार आपस में बैठेगा तो किसी को छींक आ जाए, नहीं कहा गया कि 2 गज की दूरी में रहिए, कि मास्क लगाया, और किसी मान लीजिए ग्राहक और दुकानदार बैठे हैं, हम ही आप लोग बैठे हैं, किसी को छींक आ जाए तो वो फिर छींक से कुछ ना कुछ थूक निकल जाता है, तो वो ही हमें प्रभावित है। ये सब नियम हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बने हैं, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो आगे फिर काम करेंगे। बस इतनी ही सी बात बताने के लिए आपको बुलाया गया है कि इनका पालन कराएं, मतलब सबको बताएं। कल जो है मैं था और इंस्पेक्टर साहब थे पूरा चौक कोतवाली से, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सजग रहे, जो होशियार लोग हैं लोगों को भी बताते रहे, टोकते रहते कि ऐसा होता है कि कभी कभी आप कार्रवाई के ऊपर आप कार्रवाई तो नहीं कर सकते, अब कर ही डालो। तो आप जब बार बार किसी आदमी को पिंच करेंगे तो मास्क लगाइए,
नहीं मेरे से मत मिलिए, मास्क लगाइए, समझ रहे हैं ना, एक दो मास्क रखिए एक कार्टन, देखिए मैं तो ये दो कार्टन के मास्क रखता हूँ, रोज अपना एक धोता हूँ एक को एक लगा लेता हूँ, 15 दिन चलेंगे। मकसद यही है कि कोरोना को हमें दूर भगाना है, दूर भाई दवा है नहीं, तो केवल प्रिवेंटिव एक्शन नहीं 116 की कार्रवाई की जाती है कि झगड़े ना हो के लिए, समझ रहे हैं। और तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इस तरह से रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, नहीं आपको तो कोरोना पास भी होंगे और हम भगे भगे घूमेंगे, आप किसी को ना होने पाए, आपको यहाँ आइसोलेट कराओ फिर ये करो, ये होता है ना, तो आपको भी फिर दिक्कत होती है, हमको तो अकेले छोड़ दिया गया, मेरे घर वालों से बात नहीं करने दिया, तो हम वो स्थिति क्यों लाए, क्या हम करते हैं, कोई अगर ये बताए कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बताए तो उसकी, या तो वो ना करे मास्क ना लगाए तो उसका कारण बताए, बिल्कुल होता है एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब मैं जेब में डाल लेता हूं तो फिर उसको नहीं लगा, तो जेब में डाले रात तो बाहर की बात है, बाथरूम करने गए हाथ धो गया जेब में हाथ डाला कि रुमाल निकाल तो वही मिल गया ये, तो उसी से हाथ पोंछ लिया, समझ गया कि नहीं, ऐसी फिर भूल हो ही जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग लगाएं तो अच्छा बहुत रहेगा, अब आप भी सुरक्षित रहेंगे और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे, समाज को भी रखेंगे, अपने खिलाफ शहर को रखेंगे। और दूसरा जैसा कि कहता हूँ कि इस तरह की कोई घटनाएं होने से पहले आप पुलिस प्रशासन को मुझको फोन करें, उस समस्या को आप न सुलझाए आपस में, विवाद हो गया तो हम लोग आकर को समाधान करें, क्योंकि आप जो पहले से विवाद हो जाता है ना, जब दो आदमियों का झगड़ा हो सिर्फ उसकी ऐसी मन में भावना बैठ गई है, तो जिससे विवाद हो जाएगा तो मन में भावना ऐसी बैठ जाती है, तो वो अच्छा है अच्छी बात करे तब भी लगेगा कुछ ना कोई चाल है इसमें, आपको यही समझ में आता है, तो आपके समय में वैसे भी तो दिक्कत है, एक और दिक्कत न खड़े। सर यहाँ पे किस प्रकार की मीटिंग चल रही थी? आज हम सब पाठशाला पुलिस चौकी में मोहल्ले के चौकी क्षेत्र के सम्मानित लोगों की मीटिंग बुलाई गई कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, हाथ में सैनिटाइजर करके निकलें, दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया कि अपनी दुकान में मास्क लगा कर ही बैठें, अगर उनके यहाँ कोई ग्राहक आता है तो मास्क लगा कर के आए, अगर मास्क लगा के नहीं आता तो उसे सामान न दे करके वापस करें, जब भी वो दुकान में आए ग्राहक तो उसका हाथ सैनिटाइज कराएं, यही सारी बातों कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए। सर अगर कोई बिना मास्क लगाए हुए पकड़ा जाता है क्या उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? उनको जो नियम आया है कि उनको पनिश किया जाए, तो ऐसे अगर लोग मिलते भी हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।